जिंदगी खुशियों की गीत है, हम सब की बस यही तो मीत है। जी लो इसका हर लम्हा दोस्तों, अपनी धुन में बजता संगीत है, अपनी धुन में बजता संगीत है। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आगे आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पिछली हमारी वीडियो जो स्वर के ऊपर बनाई गई थी अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार उसको देख लें ताकि आपको आज वाली वीडियो समझ आ जाए, क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं वो प्रैक्टिकली करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आज का लेसन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। आज दोस्तों हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, मैं आपको बजा के दिखाने वाला हूँ कि स्वरों को बजाना कैसे हैं। जिन स्वरों की बात हमने पिछले वीडियो में की थी कि सात स्वर जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, चार कोमल होते हैं, एक तीव्र होता है, आज हम प्रैक्टिकली उनको करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल नोट्स बजा के दिखा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। एक स्टैंडर्ड हमारा नोट्स होता है जिसको हम सी शार्प भी बोलते हैं और सा भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो उस सा के अकॉर्डिंग ही हम आज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप इस पर एक बार बजाने की प्रैक्टिस करें, गाने के लिए आपको कौन सा स्केल सूटेबल है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बजा आप इस पे सकते हैं बड़ी इजीली। एक बार आप मेरे साथ बजा के देखें। दोस्तों ये सारे के सारे मैंने नॉर्मल नोट्स बजाए हैं जिनको हम शुद्ध स्वर कहते हैं, सारे गामा पाधा नीसा सा नी धा पा मा गा रे सा। आगे चलते हैं कोमल स्वर की तरफ। दोस्तों ये थे हमारे कोमल स्वर, चार कोमल स्वर थे रे गा धानी, इन चार स्वरों को मैंने बजाया साथ में सा पा और मा, उनको शुद्ध लिया है मैंने, इसलिए पूरी की पूरी सरगम बन गई कोमल स्वरों की। आगे चलते हैं दोस्तों माँ की तरफ, माँ तीव्र होता है, उसकी सरगम कैसे बजानी है। सारे स्वर आपको शुद्ध रखने हैं, नॉर्मल रखने हैं, सिर्फ एक माँ ही तीव्र रखना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा लेसन समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें या मेरा नंबर दिया है कॉल भी कर सकते हैं। और जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।